यहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये छोटी सी लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग बैठते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको भी आना हो, बैठना हो, पढ़ना हो, आके आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो कुछ लाइब्रेरी के बारे में आप बताएं। हमने ये लाइब्रेरी किसानों के लिए खोली है, और हम यहाँ से, हमारे पास हर तरह की बुक्स हैं, लगभग 1000 बुक हम लेके आए हैं, तो यहाँ से किसान बुक इशू करा के ले जाते हैं और पढ़ के फिर वापस कर जाते हैं। हाँ, लीगल इश्यूज़ पे तो यह है कि ये तीनों जो कानून हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। पहली बात तो जो पहले दो कानून हैं ये स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं, तो सेंटर के पास इसकी पावर ही नहीं है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे तो उनकी खुद की एडमिशन भी है। 2018 में एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आया था, जिसमें खुद लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स की जो पावर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो स्टेट के पास पावर है। तो जो 2018 में ये पावर नहीं थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, तो वो पावर इनके पास अब 2020 में कहाँ से आ गई। तीसरा जो कानून है, जो अमेंडमेंट किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, वो सबसे ख़तरनाक कानून है। वो इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि उस पर स्टॉक की लिमिट हटा दी गई है, तो वो किसान से भी ज़्यादा जो आम कंज्यूमर है उसको अफेक्ट करेगा। वो स्टॉकिंग की कोई लिमिट नहीं है, तो ब्लैक मार्केटिंग इससे बढ़ेगी, तो जो एसेंशियल खाने वाली चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ेंगे। वो अपनी मनमर्जी से जो है, आप देखिए, आप अडानी ने अपना फॉर्च्यून कंपनी चला रखा है, उसके कितने प्रोडक्ट आ गए हैं, और रिटेल सेक्टर में रिलायंस है, वॉलमार्ट है, और कितने हैं। तो आप उनको जब आपने कानून में रख दिया कि जितना मर्जी स्टॉक करो, तो आम लोगों की पहुँच से खाने की चीज़ें दूर हो जाएंगी, आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ेगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान आम आदमी की और जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान तो अपना खुद पैदा करके खा सकता है, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको तो बाज़ार से खरीदना पड़ेगा, तो एक तरह से लूट का काम इन्होंने कर रखा है। अभी ये जो मूवमेंट चल रहा है ऐसे रोड जाम करके, इसकी लीगैलिटी की अगर बातें करें तो देखिए, लीगैलिटी तो प्रोटेस्ट तो एक शुरू से रहा है। अब आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट उठा के देख लो, अगर आप लीगैलिटी पे जाते तो हम कभी अंग्रेज को यहाँ से भगा ही ना पाते। देखिए, पहली बात तो जो प्रोटेस्ट का जो राइट है वो हमारा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन तभी हो पाएगी जब हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी होगी। क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूटिव को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दें कि भाई आप जो भी मर्जी कानून बनाओ और लोगों को कह दो कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो गई। तो डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट करने का हमेशा अधिकार रहता है। जहाँ तक ये रोड ब्लॉक करने का सवाल है, लोगों ने या आंदोलनकारियों ने रोड ब्लॉक किया ही नहीं। आप आगे जाके देखो, पुलिस ने रोड ब्लॉक किया हुआ है। लोग तो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो ये तो पुलिस ने रोक के बिठाए हैं, और आसपास के लोगों को ज़रूर दिक्कत हो रही है, लेकिन ये दिक्कत उस दिक्कत के सामने कुछ भी नहीं है जो इन कानून के लागू होने के बाद होने वाली है लोगों को। जो लोगों की जेब का जो खर्च बढ़ेगा, जो आम खाने की चीज़ें जब उनको 10 गुना रेट पे मिलेंगी, तब उनको ये आंदोलन याद आएगा कि काश हम उस वक्त किसानों का साथ दे देते। तो अब दिल्ली अगर जाने की इजाज़त, अब देखिए अमेरिका कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए वहाँ पे ट्रंप के जो समर्थक हैं, वो हालांकि वायलेंस हम किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहराते, लेकिन अमेरिका में देख लीजिए संसद तक लोग पहुँच गए हैं। तो ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि लोगों को आने दिया जा रहा है। अब किसानों को संसद तक जाने से क्यों रोक रहे हैं? आखिर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो वोट लेने के बाद वही लोग इनके लिए खतरा क्यों बन जाते हैं? वोट लेते समय ये लोगों के घर पे जाकर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आकर जीत जाते हैं तो वही लोग इनके लिए खतरा बन जाते हैं। फिर वही लोगों से ये जेड सिक्योरिटी किससे ले रहे हैं? इनको लोगों से खतरा है क्या? तो किसानों को संसद जाने दें, उससे सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और सरकार बात मानेगी। अब तो सरकार को ये है कि यहाँ बैठ के थक के लोग चले जाएंगे और हमें इनकी बात नहीं माननी पड़ेगी। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन के बढ़ने का सवाल है, ये तो पूरे देश में आंदोलन फैल रहा है,
जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जितना ये आंदोलन लंबा होता जाएगा, सरकार की मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि पूरे देश का किसान दुखी है। अब बिहार का किसान यहाँ तक आ नहीं पा रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट तो बिहार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हो रही है। अब गुजरात में आप देखिए, पहले इन्होंने पेप्सिको ने आलू भिजवाए, और जब किसान बेचने गए तो कहा कि इसमें केमिकल हम खरीदेंगे नहीं, तो बाद में जाकर किसानों ने वो जब मंडी में बेचे तो पेप्सिको ने उन पर जो केस कर दिया कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वायलेशन की है तुमने, तुम ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो लॉ हैं इसमें क्या होगा कि आप इसमें लफज एक इस्तेमाल किया गया प्री डिटर्मिंड क्वालिटी। तो अब ये कोई मशीन तो है नहीं कि भाई अनाज वैसा ही पैदा होगा, अब मौसम के ऊपर है, कभी बारिश टाइम पे हुई, कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, तो ये इनको तो बहाना मिल जाएगा। तो किसान ने पूरा खर्चा किया, बाद में बोल देंगे कि हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुआ, गुजरात में किसानों के साथ हुआ। और जहाँ तक इसका जो रास्ते का सवाल है, तो सरकार ये नहीं कह रही है कि राज्य सरकार लागू करेगी, इन्होंने तो लागू कर दिए हैं। और अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो इन पर खुली डिबेट करवाओ आप। आप एक तरफ तो वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हो, दूसरी तरफ विंटर सेशन आप रद्द कर रहे हो कि कोरोना है, तो साफ मतलब है कि आप चर्चा से भाग रहे हो आप। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो, क्योंकि वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेके इन कानूनों को रद्द करना चाहिए, स्टे करना चाहिए। राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार तो तब होती है ना जब राज्य सरकार कानून बनाएगी, जब एक कानून बनाने की पावर आपके पास ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने ये कानून बना दिया आप लागू करना करो, नहीं करना ना करो। तो ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसकी वैल्यू क्या रह गई, फिर तो सेंट्रलाइज हो गया सारा कुछ, फिर तो सब कुछ डिक्टेटरशिप हो गई। और दूसरा इन्होंने लागू कर दिए हैं, ये लॉ भी सेंट्रल सरकार ने बनाए हैं और लागू भी इन्होंने कर दिए हैं, सारे देश में लागू हो चुके हैं ये कानून। राज्य सरकारों के पास कोई पावर नहीं है इन कानून के तहत, वो इनमें ना अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना इनके तहत कुछ रूल बना सकते हैं, सारी पावर सेंटर के पास है, रूल बनाने की भी, इनको लागू करने की भी, और हर तरह की पावर जो है राज्य सरकारों से तो ये अधिकार इन्होंने छीन लिया है। इसी में बोलूँ, ये जो मैसेज आ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लागू करेगी, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया उस पे स्टेट लेजिस्लेचर की तो पावर ही नहीं है कि उसको कोई अमेंड कर सके या उसको कोई रिपील कर सके या उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है डेफर कर सके, इसकी तो ऐसी तो पावर ही नहीं है कोई। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कानून बनाया होता तो वो उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते थे। अब तो सारी पावर जो है इलीगली जो हम कहेंगे, जो इन्होंने पावर अपने हाथ में ली है, इसका एक ही बनता है कि आप सेशन बुलाएं और इन कानूनों को रिपील करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके इन सुओ मोटो एक्शन लेके इन कानून को रिपील करें। क्योंकि जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आया था 2014 में, जिसमें एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी बढ़ाई गई थी जजों की अपॉइंटमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन लेके वो सुओ मोटो एक्शन लेके वो कानून रिपील किए थे। तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जो कानून बनाया उसको रिपील कर सकता है, तो आम इंसान को अगर अफेक्ट करने वाला जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रिपील कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। अभी आप देखिए ये जो कंपनियाँ आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि बीज देंगे किसानों को, खाद देंगे, इनका एग्जाम्पल देख लो, मोनसेंटो बहुत बड़ी कंपनी है, 2002 में इन्होंने कारगिल 900 करके एक वैरायटी आती है मक्का की, चंपारण के एरिया में भिजवाई थी, वो पैदा नहीं हुई, वो 50,000 एकड़ किसानों की फसल तबाह हो गई, किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला, सरकार ने लाइसेंस अपनी इंक्वायरी बिठा के लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन फिर उनको लाइसेंस दे दिया। 2010 में फिर वही मक्के की वही वैरायटी कारगिल 900 फिर भिजवाई गई, फिर 20,000 एकड़ जो है पैदा नहीं हुई, उसमें कितने किसान खुदकुशी कर गए, 500 करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ। तो ये किस स्पॉन्सर की बात करते हैं, तो ये तो वही अब मोनसेंटो जो कंपनी है, अब वो बायर में मर्ज हो गई, 2018 में खरीद ली है, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे कब्जा है इसका। पहले हमारे जो बीज थे, हमारी ओरिजिनल जो वैरायटीज थी वो इन्होंने ख़त्म की। 1947 से पहले 100,000 वैरायटी थी चावल की, जो इन्होंने धीरे धीरे करके रजिस्टर्ड करा के ख़त्म कर दी। अब हर एरिया का
बीज का क्लाइमेट का अपना फ़र्क होता है, जो पंजाब में बीज होता है वो गुजरात में नहीं होगा। अब ये कंपनियां क्या कर रही हैं, वही सेम बीज हर जगह कर रही हैं, वो कहीं पैदा होता है तो कहीं पैदा नहीं होता। इस ये फैक्ट आप चेक कर लेना, रिपोर्ट्स हैं ये, मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी भी हैं, मैं आपको दे भी दूंगा। तो लाखों एकड़, अब एक जो सीड बिल पड़ा है 2004 का पेंडिंग, वो 2004 में पास नहीं हुआ, फिर 2014 में कोशिश की मोदी जी ने, फिर नहीं पास हुआ, 2018 में फिर कोशिश की, फिर नहीं पास हुआ, अभी वो पेंडिंग पड़ा है। इन कानूनों से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसमें क्या है कि हर किसान को रजिस्टर्ड बीज लेना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड बीज आज मान लीजिए मैंने बीज लिया और अगली बार मैं उस बीज को बचा के नहीं बीज सकता, मुझे नया लेना पड़ेगा। और आप देखिए, एक 2013 का केस है US सुप्रीम कोर्ट का, बाउमैन वर्सेस मोनसेंटो, उसमें क्या हुआ था कि किसान ने सोयाबीन बीजा मोनसेंटो से लेकर, और अगले साल उसने उसी में से बीज बचा कर अपने खेत में बीज लिया, तो उसके ऊपर केस हुआ, $84,000 का जुर्माना हुआ उसके ऊपर। और हमारे किसानों पे भी यही होगा, पहले अब तो कर ही दिया, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जरिए लोगों का कह दिया कि थैली वाला बीज लो, थैली वाला बीज लो, तो थैली वाला बीज क्या है, कंपनियों का बीज है। तो हमारे जो ओरिजिनल वैराइटीज़ थी, जो हमारे पुरखों ने हज़ारों साल से वैराइटीज़ पैदा की थी, इन कंपनियों ने उन्हीं बीजों पर कॉपीराइट अपना करके और उसी को अपने IPR में लाकर, अब ये सारा खेल क्या चल रहा है, WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें सारा खेल ये चल रहा है कि जो IPR हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं कंपनियों के, वो पक्के किए जाएं। तो मोदी जी के ऊपर इंटरनेशनल दबाव है, ये अकेला अडानी अंबानी का दबाव नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है कि किसानों को जो खेती करने का ट्रेडिशनल तरीका है स्वदेशी, अब RSS का रोल देख लीजिए आप, RSS ने पूरे जोर से स्वदेशी मूवमेंट चलाया, स्वदेशी खेती के हक में है वो, लेकिन इनके खिलाफ वो बोल नहीं रही हैं इसमें, ये तो RSS का डबल स्टैंड है। अगर कोई और सरकार होती तो इसमें सबसे ज़्यादा RSS बोलती, मैं हैरान हूँ कि RSS क्यों नहीं विरोध कर रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि BJP सरकार में है, हालांकि RSS की जो किसान शाखा है उनका बयान आया है वो इन कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन जिस जोर से इसका विरोध करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, हालांकि अंदर से वो भी इनके खिलाफ हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम है, ये कह रहे हैं कि किसान को समझ नहीं है, किसान को सब समझ है, किसान को पता है कि हमारा अभी आप देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो व्यापारी है वो अपना, क्योंकि अपने अच्छे बीज देगा, अच्छी खाद देगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छा रेट देगा। अभी आप फॉर्च्यून कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, अडानी कंपनी का, मध्य प्रदेश में ये एक महीना पहले TV पे रिपोर्ट भी चली थी, मध्य प्रदेश में एक किसान से इन्होंने चावल नहीं खरीदे कि बोला उसमें केमिकल आ गया है, लेकिन उसको कोई सैंपल की रिपोर्ट नहीं दी गई, उसने बोला दोबारा सैंपल कराओ, तो उसको बोला कि 8,000 रुपये भरो तब सैंपल होगा। जिन किसानों से खरीदा उनको भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, जिनसे नहीं खरीदा उनको भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो अब क्या होगा, जैसे पेप्सी कंपनी का हुआ था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू करवा लेंगे, उसको बहाना लगा देंगे कि भाई इसमें केमिकल आ गया, इतनी सस्ती देनी है तो दो, नहीं तो हम ना तो तुम्हें मार्केट में बेचने देंगे क्योंकि बीज हमारा है, और ना हम खरीदेंगे, तो किसान कहाँ जाएगा। ये ऑल वर्ल्ड में एक फ्लॉप मॉडल है जो मोदी जी लेके आए हैं, ऑल वर्ल्ड में ये फ्लॉप हो चुका है बुरी तरह, अमेरिका में फ़्लॉप हो चुका है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़्लॉप हो चुका है, जिसको ये बहुत बड़ी कह रहे हैं कि बहुत हम रेवोल्यूशनरी लॉज लेके आए हैं, ये फ़्लॉप लॉज हैं, वहाँ पे कंपनियों का जोर नहीं चला, अब इंडिया को वो खरीदने चले हैं।